आज पढ़ेंगे निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। ये परिवर्तन तीन प्रकार से पढ़े जा सकते हैं। पुष्प में होने वाले परिवर्तन, बीजांड में होने वाले परिवर्तन तथा भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पुष्प में होने वाले परिवर्तन। पुष्प का पहला और सबसे बाहरी चक्र बाह्य दल पुंज अर्थात कैलिक्स कहलाता है। निषेचन के पश्चात कैलिक्स अर्थात बाह्य दल पुंज के जितने भी सेपल हैं सभी सूखकर गिर जाते हैं और कभी कभी फल के साथ ही चिर लग्न रहते हैं। अब बात करें अगर दलपुंज की, जिन्हें कोरोला कहा जाता है। कोरोला की इकाई पेटल है। निषेचन के पश्चात ये भी प्रायः सूख कर गिर जाते हैं। पुष्प का नर भाग एंड्रोसियम अर्थात पुमंग है, जिसकी इकाई पुंकेसर है। पुंकेसर संख्या में एक या एक से अधिक हो सकते हैं और जब निषेचन हो जाता है तो पुंकेसर का कोई काम नहीं रहता, अतः ये भी सूख कर गिर जाते हैं। जायांग में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन होता है। इसके अलग अलग भागों में परिवर्तन को समझते हैं, जैसे कि सबसे पहले वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा, ये सूख जाती है और प्रायः गिर जाती है। स्टाइल अर्थात वर्तिका, यह मध्य वाला लंबा भाग है, यह भी सूख कर गिर जाता है। अंतिम भाग होता है अंडाशय ओवरी, यह निषेचन के पश्चात फल में बदल जाता है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति अर्थात पेरिकार्प में परिवर्तित हो जाती है। अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड अर्थात ओव्यूल बीज में बदल जाते हैं। अब पढ़ेंगे बीजांड में होने वाले परिवर्तन। बीजांड में अनेक भाग होते हैं जो अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। बीजांड का सबसे बाहरी आवरण अर्थात बाह्य अध्यावरण या आउटर इंटेग्यूमेंट बीज चोल अर्थात टेस्टा में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड का अंतः अध्यावरण अर्थात इनर इंटेग्यूमेंट अंतः कवच या टैगमैन में बदल जाता है। बीजांड वृंत अर्थात फ्यूनिकल प्रायः नष्ट हो जाता है, लेकिन लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है और बीज के चारों ओर एकत्रित हो जाता है। इस भाग को एरल कहते हैं। यह सफ़ेद रंग का भाग है, इसे ही खाया जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लीची के खाने योग्य भाग का नाम बताएं, तो याद रखें एरल। बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल अपने वास्तविक रूप में ही बना रहता है। बीजांड काय अर्थात न्यूसेलस प्रायः समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी पतली परत के रूप में बचा रहता है। इस परत को परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष क्या है, तो याद रखें कि जब निषेचन के पश्चात बीजांड काय पतली परत के रूप में शेष रह जाए तो उस रचना को पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहते हैं, जैसे कुमुदनी। अब पढ़ेंगे भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन। भ्रूण कोश अर्थात एम्ब्रियो सैक के अंदर विभिन्न रचनाएं होती हैं, जैसे कि प्रतिमुख कोशिकाएं अर्थात एंटीपोडल सेल्स, ये प्रायः नष्ट हो जाती हैं।
युग्मनज अर्थात जायगोट, जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस अर्थात भ्रूणपोष केंद्रक, इससे भ्रूणपोष बनता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। सहायक कोशिकाएं अर्थात सिनर्जिड सेल्स, निषेचन के पश्चात ये भी नष्ट हो जाती हैं।